हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पाल फैमिली ब्लॉग्स में। मैं शुरुआत कर रहा हूँ ब्लॉग्स की, और आज तारीख है 2 दिसंबर, दिन बुधवार का, और बहुत अच्छा दिन है। धूप बढ़िया निकल रही है। सुबह के 10:30 बजे हैं अभी, और दिनचर्या जो है काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन काम आज शुरू नहीं हुए हैं। काम इसलिए शुरू नहीं हुए हैं, मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि पब्ली उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे शुरुआत करनी पड़ रही है ब्लॉग्स की। और आज का ताज़ा ब्लॉग आज ही मिलेगा आपको। कल जो है पूरा दिन डॉक्टर के पास लगा है हमारा, और उसे क्या हुआ है मैं आपको ये बताऊंगा आज। हाँ जी मैडम जी, दवाई ले ली क्या? खा पी के लिए ऐसे खाली पेट ही ले ली? नहीं, बस एक तो बिस्कुट खाया था। अच्छा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, लेकिन आज हम ठीक नहीं है। कल से तबीयत खराब है मेरी बहुत ज़्यादा। और ये देखे यहाँ पर जो है ये मेंबर हैं पाल फैमिली ब्लॉग के मुख्य, जो ये कल से इनकी तबीयत खराब है, और ये आज ही का ब्लॉग है 2 दिसंबर। आज ताज़ा ताज़ा मिलेगा आपको ब्लॉग्स, क्योंकि कल जो है डॉक्टर के पास लगा है पूरा दिन, क्योंकि पेट में दर्द, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़रूरी था, वो हो चुका है, और उसकी रिपोर्ट क्या आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये देखिए, शकल देखकर आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि बीमार आदमी की शकल चेंज हो जाती है, एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। तो कल से तबीयत खराब है मैडम की, और ये बिस्तर में ही है, और आपको पता ही है घर में जो मुख्य रोल होता है औरत का, अगर वो बीमार हो जाए तो कितने काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अभी सुबह के बजे हैं 11, और मैंने भी अभी मुंह भी नहीं धोया है, क्योंकि मैं भी लगा हूँ सुबह दवाइयाँ लेकर के आया था। और देखिए, डॉक्टर के पास कल गए थे, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो रिपोर्ट में जो आया है वो स्टोन है। और मैंने तो सोचा भी नहीं था एकदम से, मुझे मतलब शादियों से ठीक ठाक आई, सोई रात में ही आ गए थे हम लोग वहाँ से, 3 बजे के अराउंड हम लोग जो हैं घर पहुँच गए थे, सोए आराम से। और सुबह 10-11 बजे जैसे काम करने का टाइम होता है ऐसे ही अपनी दिनचर्या शुरू हो गई, तो अचानक से दर्द हुआ पेट में, दर्द और उल्टी आनी शुरू हो गई। फिर इन्होंने मेरे मतलब डॉक्टर को दिखाया, पेट में दर्द बढ़ता रहा, फिर डॉक्टर के यहाँ गए और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें स्टोन निकली। और देखे, मैंने सपने में भी सोचा था कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है अचानक से, क्योंकि ठीक ठाक सोए थे, और मुझे फिर जब तबीयत ख़राब हुई ऐसा भी लग रहा था कि सब ये ना बोले कि शादी में जा रहे हैं इसलिए तबीयत ख़राब हो रही है। और देखिए, पहले कभी हल्का फुल्का दर्द होता था तो वही होता है एक ग्रहणी का, कि इग्नोर कर देते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, और उसमें कोई वो तो है नहीं, संशय तो है नहीं कि ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किस चीज़ का दर्द है किसका नहीं, ठीक हो जाता था। लेकिन तो कल रिपोर्ट कराई है, उसमें 2 mm की है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है। अभी कुछ आराम है, कल तो मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। प्रीति ने बोला भी शाम के टाइम कुछ बनाऊं क्या, मगर नहीं, कुछ नहीं मन कर रहा खाने पीने का, अगर कुछ खाती भी, पानी भी पी रही थी तो मतलब सूखी उगाई उल्टियाँ आ रही थी। मुख्य रोल निभाने वाले बिस्तर में हैं, तो आज मैं इसे जैसे तैसे मैं ही पूरा करूंगा, और आपको बताऊंगा कि कितना डिस्टर्बेंस होता है जब एक गृहिणी बीमार पड़ती है। और वैसे तो प्रीति भी करती है काम, लेकिन इतना सारा काम होता है कि एक आदमी के बस का नहीं होता, मिल बांट कर करते हैं तो डेली समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है काम। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है बच्चों को भी पोछे मारने पड़ रहे हैं मुंह पे, नाना धोना उनका कम ही हो रहा है, क्योंकि एक आदमी हाँ पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकता, बहुत सारा काम है, बच्चों का भी और घर का भी, साफ सफाई सारे काम होते हैं, तो इनमें से जो जरूरी है वो हो जाते हैं, जैसे घर में सफाई वो तो रोज होना जरूरी है, बच्चे जो है मुंह धोकर काम चला लेंगे क्योंकि सर्दी भी है तो मुंह धो के काम चल जाता है कपड़े चेंज करके। देखिए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है इसमें जो स्टोन है वो 2 mm का है, ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, 2 mm का तो नॉर्मली बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, और डॉक्टर ने जैसा बताया है, जैसा सजेस्ट किया है उन्होंने दवाइयाँ, तो वो जो इनिशियली दवाइयाँ हैं उन्होंने दे दी हैं, और जल्दी आराम लग जाएगा, लेकिन पेन तो होता ही है, और वो अभी कुछ एक दवाइयाँ चल रही हैं। और हमारे यहाँ कुछ शादियाँ दिन की होती हैं, कुछ रात की होती हैं, सर्दियाँ होने लगी हैं, तो परसों हमने एक रात की शादी अटेंड करी है, तो
उसमें थोड़ी बहुत ठंड लगी है मुझे लगता है। वैसे मैं तो काफी सेफ्टी के साथ था, मैडम भी थी वैसे, तो कोट वोट लपेट रखा था और काफी कुछ सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन फिर भी लगी गई थोड़ी बहुत। तो पेट का जो पेन है वो तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टोन का है, लेकिन सर में दर्द तो जो है वो ठंड का ही है। और मैं यही सोच रहा था कि हम तो फिर भी काफी इंतजाम के साथ थे, फिर भी ठंड जो है लग गई है, लेकिन जो वहां पर मच्छरदानियां पहनकर आए थे उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि शादी जो थी वो पूरी तरह से खेतों में बना हुआ था, बैंक्वेट हॉल वहां पर, और जंगल उसके जो है इर्द गिर्द पूरी तरह से खेत थे, और खेतों के आसपास जो है ठंड ज्यादा लगती है क्योंकि हवाएं भी लगती हैं और जो नेचर होती है वहां की कुछ ऐसी ही होती है कि ठंडी। वहां पर ठंडी नेचर होती है एकदम, और ठंड लगी जाती है। और फिर उसके बाद में क्या है कि खाना पीना भी साथियों का ऐसा ही होता है, कई दिन से लगातार चल रहा था। लेकिन मैडम ने क्या खाया था कुछ वहां? नहीं खाया मैंने वहां पे, क्योंकि मैं खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। नहीं, फिर ऐसा मत तो हो नहीं सकता कुछ ज्यादा नहीं मत, खाया। नहीं सुनो, इतना सा मैंने हलवा लिया था जो योगेश हाँ, भाई लेके मतलब आए ये थे। कह सकते हैं कि कम खाया है, हाँ, लेकिन ये नहीं लेकिन कह मैंने सकते कि अड़गम कुछ भी सड़गम नहीं कुछ खाया। टिक्की वगैरह डोसे ये कुछ नहीं छेड़ा मैंने, अच्छा, ये क्योंकि अड़गम सड़गम होता है। हाँ अड़गम सड़गम ही है, अभी ज्यादा भरपूर मसाले। भरपूर दावतें चल रही है, और नहीं तो देखो ये मैंने खाने में क्या खाया था, गेहूं की रोटी बनी हुई थी वहां पर, वो खाई थी केवल गेहूं की रोटी, वो भी साग के साथ में। अच्छा छोले पनीर ये कुछ नहीं खाया मैंने, आपके साथ में खाया था आपको पता भी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं छुआ वो अच्छा बाकी। ठंड में ठंडा रसगुल्ला तो नहीं खाया? ना ना बिल्कुल भी नहीं छुआ, आपको बोल नहीं रही थी मैं नहीं हाँ, खाऊंगी, ये बोल रहे थे ठंडा रसगुल्ला खा ले तेरे फेवरेट है, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी एक अभी अंदाजा ये भी तो लगाया जा सकता है कि ठंड में अगर ठंडे ना। रसगुल्ले खाएंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए। मैंने सिंपल सा खाना खाया है, गेहूं की रोटी खाई थी सिर्फ साग के साथ में, मक्की की रोटी भी थोड़ी सी ली थी, अमित बोला था चाची जी इसके साथ में खा के देखो, कुल मिला के ये है कि देखे खाने का तो ये तबीयत बहाना जो ही है, होगा। हाँ, तबीयत जो बहाना कुछ भी हो, तबीयत जरूर गड़बड़ हुई है, और उसमें जो है मैंने अंदाजा नहीं लगाया था पर। हाँ, और ये भी अच्छा हुआ कि इनिशियल स्टेज पर पेन का जो है वो अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पता चल चुका है कि बीमारी की जड़ क्या है, ज्यादा भी तो बढ़ अब उसका जो सकती थी। है इलाज हो जाएगा जल्दी ही। तो लेकिन क्या है कि तबीयत खराब तो खराब ही है, कल प्रॉब्लम से होती है जॉइंट है, फैमिली में, एक जना परेशान हो जाता है कल काम से काम। डिस्टर्ब है। और चलिए आपको बालक बच्चे दिखा देता हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या माहौल है घर का। अरविंद जो है ड्यूटी चला गया है, वो अपनी कर्म भूमि पर लौट चुका है। वो घर में रहता है तो काफी सारे काम जो है उसके जिम्मे डाले रखता हूँ मैं भी, बहुत और हेल्प करता वो है करता अरविंद। रहता है, लेकिन जब वो यहाँ नहीं होता तो सारे काम घर के बाहर वाले जो बाहर होते हैं वे मुझे ही करने पड़ते हैं, उसके होते हैं मुझे काफी आराम होता है। काफी आराम मतलब मुझे घर से ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। और जैसा कि हमने उसमें डांस भी करा थोड़ा बहुत, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। डांस से क्या फर्क पड़ेगा, डांस में बस थोड़े से हाथी तो हिलाने नहीं, हाथ तो हिलाने पड़े, लेकिन वे हवा में लहराए हैं ना हाथ। तो इतने सारे कपड़े, डांस करने से शरीर में गर्माहट बना, पसीने आ जा भाई साहब का, देखा नहीं क्या हाल हो रहा नहीं, अगर था। खुले खुले में सड़क पर डांस करते हुए हाथ लहराओगे तो हो सकता है ठंड घुस जाए कहीं ना कहीं। देखो शादी का तो अब बहाना ही बनने वाला कि शादी अटेंड कर रहे डेली लेकिन जो होना हो वो तो हो ही रहेगा। अच्छा, जैसे दवाई ले रही, कल से आराम है कुछ? हाँ आज तो थोड़ा आराम लग रहा है। चलो, वैसे आपको जो है काफी कुछ आराम है, दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं और थोड़ा सा इसमें रेस्ट होगा और जल्दी ही ठीक होकर के वापस लौटेंगी पाल फैमिली ब्लॉग की ब्लॉगर आपके सामने शुरुआत करने के लिए। और आज तो थोड़ी सी बातचीत ऐसे ही कर लेते हैं इनके साथ में, क्योंकि आप जानते हैं बीमार आदमी के साथ में थोड़ी सी बात कर लो, बात गढ़ लो, तो काफी आराम लगता है दवाइयों जितना ही। क्या कर रहे हैं आप? देखो क्या करता क्या कर रखा है? अच्छा, ये अच्छा, जीने का रास्ता बंद कर रखा है, तो किसने करा ये? मैंने। देखिए, आरओ से स्कूटर चलाना सीख गई है, पैरों से चलाना तो सीख गई थी बहुत पहले, लेकिन इसके जो है पैर इस पर जमे नहीं थे अभी तक, और अब प्रैक्टिस हो गई है पैरों से चलाने की। किसने दिया है आपको? चोट पे लगा रही? कहाँ लगी है चोट? अच्छा, यहाँ पे। ये तो बहुत दिन की, ये तो ठीक हो चुके हैं। किसने बताया नारियल तेल चोट पे लगाते हैं? कहाँ पे? यहाँ
यहाँ आंगन में गिर गई थी और चोट लग गई। फिर किसने बताया तेल लगा लो नारियल का? वहाँ रखा था। अच्छा आपको दिख गया था ये कहाँ रखा था? ये गर्म हो रहा था। गर्म भी हो रहा था ये? धूप में रखा हुआ था क्या? देखो ये नू निकले ये। बस 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 बहुत निकल गया भाई। कहाँ लगाओगे इसे? अच्छा चोट पे लगाओगे। हाँ चोट लगी है, कल गिर गई थी। हाँ निशान दिख रहा है चोट का। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो रही है तो अब ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी ना? ये चोट पे लगवाने की। चोट पे लगाने की है? अच्छा जी। जब बुब्बो गिरे हैं। अच्छा जी। और ये देखो चीकू महाराज कार चला रहा है। कार कहाँ है चीकू? है कहाँ है कार दिखाओ। ये है कार। ये देखो जो है अभी शब्दों में बात नहीं करता, इशारों में ही करता है चीकू। और इसे कार चलाना पसंद है आरुष की। आरुष फिलहाल यहाँ नहीं है, नहीं तो दोनों का झगड़ा होता है इनका कार और ट्रैक्टर के ऊपर। क्योंकि ये भी जो है पसंद करता है ये सारी चीज़ें, कार ट्रैक्टर ट्रॉली। और यहाँ पर नंदनी अपनी ताई के साथ। आ, आ, आ। ये भी बिस्तर में घुस गई है यहाँ पे आके। नंद क्या कर रहा? कितना बोलन लगा भी सही, कितना बोलन लगा, छका दगा बोल बोल के सबको। कितनी बोलन लगी, अभी छोटी सी है, अब बड़ी हो गई कितनी बोल लग रहेगी, पका देगी सबको। हाँ हाँ हेलो बोल दो भाई, राम राम तो कर दो सबको आज जोड़ के।